जय गौ माता मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हमने जो ये गाय माता की मूर्ति बनाई थी, एक बाग पे बनाई थी, वो मूर्ति सूख के तैयार हो गई है, पूरी तरह से सूख गई है। अब उसके ऊपर हम कलर करेंगे। वो ये कलर हमने एक्रोली लिया है और एक्रोली कलर हमें बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने ये कलर लिया है। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनानी है ना, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन हमने ये एक्रोली कलर लिया है। तो हम पहले तो ये कलर को एक ढक्कन के अंदर ले लेंगे ताकि वो सूख न जाए। जो पूरे डिब्बे में हम रस रखेंगे तो वो डिब्बा हमारा सूख जाएगा, क्योंकि फैन चलता है तो सूख जाता है सब कुछ। तो हम वाइट कलर लेंगे और हम ये मूर्ति के ऊपर लगाएंगे। तो ये कलर लगाने के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये छोटा सा ब्रश लिया है, उसको हम पेंटिंग ब्रश बोलते हैं। तो ये ब्रश की मदद से हम गाय माता की मूर्ति के ऊपर वाइट कलर लगाएंगे और ये पूरी तरह से लगाएंगे तो उसके ऊपर उठाव आएगा, क्योंकि वाइट कलर का मतलब होता है कि ज़्यादातर गायों में वाइट कलर होता है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी वाइट कलर लगा देंगे, लेकिन गायों में कलर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम वाइट कलर लगाएंगे। तो हमने वाइट कलर लगाने का काम शुरू किया है। तो ये जो वाइट कलर होता है वो आपको एक्रोलिक कलर होता है, आप सभी को मालूम तो है, लेकिन हम बता देते हैं। ये जो वाइट कलर होता है वो आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, सब जगह पे मिल जाएगा। हमने भी अमेजोन से मंगवाया है, ये आपको सस्ती कीमत में मिल जाएगा। और हमें ये जो एक्रोलिक कलर है बहुत पसंद है, तो हमने ये लगाया और आप देख सकते हो ये पूरी तरह से हमने लगा दिया है कलर। उसमें हमने कोई जात का, ये जो मूर्ति बनाई तो उसके ऊपर हमने कोई जात का केमिकल नहीं लिया है, हमने पूरे गोबर से बनाया है। इसके अंदर जो हमने मेंदा लकड़ी का पाउडर होता है ये हमने उसके ऊपर लिया है, ताकि जो मेंदा लकड़ी होती है वो उसके टिकाव के लिए रहे। अगर आप मेंदा लकड़ी नहीं यूज़ कर सकते हो तो आपको प्रीमिक्स मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो प्रीमिक्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो आप ये भी ले सकते हो। लेकिन हमें मेंदा लकड़ी से वो गाय माता की मूर्ति बनाई है। तो अब हम ये हमने वाइट कलर तो पूरा लगा दिया है, अब उसके ऊपर हम वो गाय माता का आसन है उसके ऊपर हम वो धरती जैसा कलर लगाएंगे, ताकि उसके ऊपर जो गाय माता खड़ी होगी तो उसको देखा वैसा आएगा, उठाव भी आएगा। और ये हम जैसा धरती का कलर होता है वैसा ही हमने कलर यूज़ किया है उसके ऊपर भी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे यूट्यूब के अंदर ये पहले आपको मिलेगी, आप देखोगे। तो हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो उसको शेयर भी करना और कॉमेंट करना। तो कोई आपको कुछ भी चाहे के कमेंट में हमारी कोई भूल है तो वो भी हमको बता देना, ताकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए तो ठीक से बनाए। हम मेहनत बहुत करते हैं गाय के ऊपर, और ये कलर भी हम लगाते हैं वो उससे भी बहुत अच्छा कलर लगता है वो गाय के ऊपर। और ये आसन होता है, तो आसन का कलर तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब गौ माता ज़मीन के ऊपर खड़ी होती है तो ये ज़मीन की जो क्या बोलते हैं उसको, ये होता है वो एकदम नीला कलर का होता है। तो हमने ये लगाया उसके ऊपर, और ये कलर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए हमने सोचा कि हम ये लगा लेंगे। लेकिन आपको कलर कहीं तरह की मार सकते हो। हमने ये लगा दिया, और ये आसानी से मारना ताकि बहुत अच्छा उड़ सके। अगर आपको कोई भी कलर ले सकते हो, हमने तो ये लिया है।
और ये बहुत बढ़िया कलर है। धीरे धीरे से गाय के ऊपर कलर का उठाव आने लगा है, बहुत ही सुंदर दिखेगा बनने के बाद। तो अभी तो शुरुआत है, वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और ये हमने आसन के ऊपर जो कलर था वो भी हमने लगा दिया। अब हम बॉर्डर पट्टा मारेंगे, तो उस पे हमने बादली कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। तो हमने बादली कलर से वो बॉर्डर पट्टा पर कलर मारा है, और ये कलर भी बहुत अच्छा होता है, ये एक्रोली कलर होता है। सब कलर एक्रोली हम लगाते हैं ताकि गोबर के ऊपर एक्रोली ही अच्छा लगता है। और दूसरा जो कलर आता है वो गोबर उसको छू लेता है, चूस लेता है, और ये उठाव नहीं आता है, तो इसलिए हमने ये कलर लगाया। ये कलर भी अच्छा है। आप ये वीडियो को अंत तक देखना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम गाय माता की सेवा करते हैं, तो हमने सोचा कि हमें आती है ऐसी हम मूर्ति बना ले, तो हमने ये मूर्ति बनाई। देख सकते हो कितना उठाव आता है वो कलर मारने से। तो ये कलर तो हमने लगा दिया, बॉर्डर पटा भी हो गया। अब हम उसका जो ऊपर का जो सुंदड़ी होती है उसको उठाने के लिए सुंदड़ी बोलते हैं, श्रृंगार बोलते हैं कई लोग, और ये बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है, लाल बोलते हैं हम रेड, और ये रेड ही होती है, उसमें कोई ब्लैक या कोई और कलर नहीं होता है, ये रेड ही होती है। तो हम ये रेड ही लगाएंगे। ये भी एक रोल लिया है हमने, तो वो भी आराम से लगा लेंगे, ताकि क्योंकि कलर लगाने से कहीं तरह की हम गलती कर सकते हैं, तो ये सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन जो भी पेंटिंग होती है तो हम बोते कर लेते हैं, हम दूसरों के पास नहीं करवाते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी आराम से करना पड़ेगा। और ये रेड कलर से जो चुंदड़ी होती है माता जी के, गाय माता के ऊपर, वो बहुत अच्छी होती है, उसको लगाने से उठावाता है। आप देख सकते हो जैसा हम गाय के ऊपर जो लाल रंग के चुंदड़ी लगाते हैं वैसा ही हमने कलर दिया है। तो ये चुंदड़ी का कलर भी हमारा लग चुका है। अब उसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे, जैसे कि वो आपला होते हैं, वो उसके लिए हमने सोनेरी कलर लिया है, जैसे सुंदरी में कलर होते हैं ऐसा ही कलर हमने लिया है। तो ये हम लगा देंगे कि उसका देखाव भी अच्छा है। और हमने सिंग में ब्लैक कलर लिया है, सिंग में तो ब्लैकस होता है, तो हमने सिंग में ब्लैक कलर लिया है, पूंछ में भी ब्लैक कलर लिया है। तो
आप देख सकते हो जैसा मार्केट के अंदर मिलता है सुंदरी, वैसा ही कलर हमने उसके ऊपर लगाया है। और ये कितना उठाव देता है, बहुत ही अच्छा दिखाव देता है, क्योंकि ऐसा ही कलर होता है जब गाय माता के ऊपर जब हम सुंदरी का कलर जो लगाते हैं तो ऐसा ही रखना चाहिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा गाय माता के वो जो मूर्ति है दिख रही है, क्योंकि हम सब हमारे हाथ से ही करते हैं। देखिए आप उसका जो सिर होता है उसके ऊपर भी हमने लाल कलर का ही बनाया है, और जो उसके जो कान होता है उसके ऊपर हमने पीला कलर लिया है येलो, ये भी बहुत अच्छा होता है और दिखाव देता है। और ये जो सुंदरी के ऊपर हम येलो कलर लगाएंगे ताकि बहुत उठाव देगा। देखिए आप सुंदरी का कलर कितना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया सुंदरी, जैसी सुंदरी मार्केट में मिलती है ना वैसी ही हमने लगाई है, जैसा मार्केट के अंदर मिलता है ये, और ये ऐसा ही हमने लगाया है कलर। तो उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपर भी हमने लगाया है साइड में, और उसके जो गले के जो माला बोलते हैं वो भी हमने लगाई है, और उसका जो हम मोहरी बोलते हैं वो भी हमने लगाई है ताकि पूरी तरह से गाय ही दिखे। अब हम जो आसन होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर कर देंगे ताकि वो आसन का भी उठाव अच्छा आए। अगर आसन के ऊपर नहीं, देखिए आप कितना अच्छा कलर लगाया हमने, वो भी स्टार जैसा कलर लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा लगे। और आप बना आप तो नहीं बनाओगे, लेकिन आप बनाओगे तो हमें संपर्क ज़रूर करना ताकि हम आपको बताएंगे, कोई भी आपको तकलीफ़ पड़ेगी तो हमें फ़ोन करना, हम आपको बताएंगे। हम कोई ट्रेनिंग तो नहीं करते, ट्रेनिंग जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो कुछ भी नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ आपको हम सिखाएंगे, लेकिन हम सीखने की बात नहीं करते हैं, हम आपको फ़ोन पे भी सिखाएंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट की जो माहिती चाहिए तो आप हमें फ़ोन पर कर सकते हो, हमारा नंबर तो है वीडियो में, और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करना और हमें सपोर्ट करना ताकि हम, देखिए मित्रों गाय माता की मूर्ति कैसी बनी, बहुत अच्छी बनी है, हमें तो गमती है, आपको भी गमेगी। थोड़ी कहीं कोई भूल हो तो हमको बताना, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना, आप हमें सपोर्ट करोगे, हमें लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हम कई तरह की प्रोडक्ट बना पाएंगे, लेकिन आप वीडियो देखकर जो हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें वीडियो बनाने का मूड नहीं आएगा। और आप ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और मित्रों ये हमारा वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, तो देखिए कि हमारे वीडियो को यहाँ हम समाप्त करते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।